जय जगन्नाथ सरी प्योर ब्रांच अप्लाइड ब्रांच ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांच देन ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांच एवं अल्प कतोटी स्पेशल ब्रांच पढ़ा तापर आगे जावा ओके आमर बाकी अल्प कतोटी स्पेशल ब्रांच विषय देखा तापर अलग एक नंबर अच्छे पे रेडियो बायोलॉजी देख पे मुझे कीवर्ड लिखी कौन इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ताले एनिमल उपरे किंबा प्लांट उपरे किंबा होल उपरे कहिया को बोले लिविंग वर्ल्ड उपरे विभिन्न प्रकार रेडिएशन रो कौन प्रभाव रही जो पाठ पढ़ा दैट इज नोन एज रेडियो बायोलॉजी बुझे रेडियो एक्टिविटी माने जमी आम अल्ट्रावायलेट रे अल्फा रे बीटा रे गामा रे तभी जिते प्रकार सब रेडिएशन अच्छा से रेडिएशन लिविंग वर्ल्ड उपरे कौन प्रभाव पकाए कौन अनुकूल प्रभाव पकाए बा कौन प्रतिकूल प्रभाव पकाए आम जो पाठ पढ़ा दैट इज नोन एज रेडियो देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इले तुम्हें माने देखी जाओ जे केतक लोक आर्टिफिशियल गोड़ आर्टिफिशियल हाथ ये सब लगे तुम्हें निश्चित भाव देखी जाओ कृत्रिम गोड़ प्लास्टिक किंबा से भाई किसी जिनस एक गोड़ हाथ इत्यादि व्यवहार कर आखिरे किंबा टीवी सिनेमा देखी तले जो पाठरे से सब आर्टिफिशियल गोड़ हाथ बा बॉडी पार्ट केमिति तैयारी करा जाए से विषय पढ़ा दैट इज कॉल्ड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग ओके जेहेतु से ह्यूमन बॉडी पार्ट तैयारी करा हो इट इज ए पार्ट ऑफ मेडिकल जेहेतु से मेकानिकल जिनस जमी कौन मेटाल कि कौन प्लास्टिक ये सब को व्यवहार कर पार्ट तैयारी करूचे तेरे बायोमेडिकल सहित ये इंजीनियरिंग मिसिकी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल तैयारी करा हुची जाको हमें पढ़ुचे कौन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देन नानो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स इन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पिले हमें कौन से जिनसर अणु परमाणु पर्यंत जा विषय जदि स्टडी करवा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर कौन प्रभाव पकेब बा पकोची दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज नानो टेक्नोलॉजी पूरा अणु परमाणु पर्यंत जा किपरि लिविंग वर्ल्ड को अफेक्ट करुचे जो पाठ पढ़ा दैट इज कॉल्ड नानो टेक्नोलॉजी देन द लास्ट स्पेशल ब्रांच इज प्लांट ब्रीडिंग पृथ्वी लोक संख्या बढ़ी बढ़ी चलती जमी बा चाष जमी कन्स्टांट अच्छी बढ़ुवा जनसंख्यार खाद्य आवश्यकता को पूरण करने आमको आउ पारंपरिक शैली कृषि कले चलना तेणु एटी आमको किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जमी अल्प जमीर अधिक अमल पाई अल्प जमीर कम रोग जीवाणु लगुवा गछ आम चाष कर भल क्वालिटी एवं भल परिमाण अमल पाई ये जो जिनस हमें जो पाठ पढ़ा दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग कृत्रिम उपाय गछ मानक भितर जनन प्रक्रिया करी से मानु उन्नत किसम उन्नत धरण गछ सृष्टि करने जो पाठ बायोलॉजी आम पढ़ू ताको प्लांट ब्रीडिंग बोली कह पे ये ब्रांचेस बहुत गुड़िया ब्रांच पढ़ी
ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି। ଏବେ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଓକେ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାୟୋଲୋଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାୟୋଲୋଜିର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରିକି। ବୁଝିଲେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରିକି କ'ଣ? ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରିକି ବୁଝ, ପିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଲେଭଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ବୁଝିଲେ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଠିକଣା ଅଛି, ସେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ର ର୍ୟାଙ୍କ, ଯେମିତି କିଙ୍ଗଡମ୍, କ୍ଲାସ୍, ଫାଇଲମ୍, ଅର୍ଡ଼ର, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଟର୍ମ ବା ଆନିମଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରିକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରିକିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ସେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଲେଖୁ, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ତାର ପରିଚୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ, ଆଇଦର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ, ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପାଖରୁ ସ୍ପେସିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ବା ସ୍ପେସିଜ୍ ପାଖରୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଣ୍ଡିଂ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରାର୍କିକୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପିଲେ, ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ଟିକେ ବେଟର ବୁଝିହେବ। କୌଣସି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏକ ମେଥଡ୍, ଯାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରାର୍କି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପାଖରୁ ସ୍ପେସିଜ୍ ବା ସ୍ପେସିଜ୍ ପାଖରୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କିଛି ପରିଚୟ ତା'ର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକ୍ ହାୟରାର୍କି ବୋଲି କହୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ପିଲେ ବୁଝିବା, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍, ହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା। ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିବା। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ୍, ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ଲେଖିବି? ଟୁ ମିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାହୁ, ଓକେ, କେୟାର ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଓକେ, ଆଠ ଗୁଣପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଧର୍ମଦାସପୁର, ଭୟା କୁଆପାଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କଟକ ଷ୍ଟେଟ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ତୁମେମାନେ କହିବ ଏଇଟା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେବି ତାହେଲେ ସିଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଆଗକୁ ଗଲି, ଡାକିଲି, ଆଜ୍ଞା ସାହୁବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି?
ताले किए किए घर बाहर विक्रमादित्य साहू बाहर विवेकानंद साहू बाहर घरे आउ कौन से जो वयस्क रोजगारिया लोक थे से मैंने बाहर तेनाली दुआर ठिया हो डाक आज्ञा विक्रम बाबू अच्छा कि विक्रमादित्य बाबू अच्छा कि कई जन बाहर जड़े अर्थात केते जन विक्रमादित्य मिसी यही साहू परिवार को तैयारी ओके ताहले विक्रमादित्य यही एड्रेस रो सबुठ छोट ताठू टिके बड़ हूँ साहू अर्थात केते जन विक्रमादित्य मिसी साहू फैमिली तैयारी ओके साहू फैमिली भाया केते जन फैमिली साहू दास कर मिश्र पंडा सामल राउत यह किसी मिसी तो मैंने केते गुड़िए विक्रमादित्य मिसी तैयारी कले साहू परिवार केते गुड़िए साहू परिवार भाया मिसिकी तैयारी कले गुणुपुर गाँ गुणुपुर गाँ भाया केतेटा गाँ धर्मदासपुर पोस्ट ऑफिस अंडर अच्छी धर्मदासपुर पोस्ट ऑफिस भाया केतेटा कुआपाल भाया अंडर अच्छी कुआपाल भाया भाया केतेटा कटक डिस्ट्रिक्ट अच्छी कटक डिस्ट्रिक्ट भाया तीसटा ओडिशा अच्छी सबुठ छोट विक्रमादित्य ताठ बड़ साहू ताठ बड़ गुणुपुर ताठ बड़ धर्मदासपुर कुआपाल कटक ओडिशा जेमती आम गोटे लोक को खोजी पाइबापी गोटे लोक को जदि किसी आम मनर कथा जनवा चाहे चिठी दौचे तो दिहित एक आड्रेस गोटे लोक आसला भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँचिक आगे लोक को पचार आज्ञा विक्रमादित्य साहू का घर कौटी सी कहींपर जदि यड्रेसटा देखे तेल सी कह तुम गोटे काम कर तुम्हें बर्तमान भुवनेश्वर ओडिशा अच तुम्हें यू बस धरिक कटक जाओ कटक जा खोज कुआपाल बस कुआपाल धर्मदासपुर को गाड़ी खोज धर्मदासपुर जा गुणुपुर को गाड़ी खोज बा धर्मदासपुर गुणुपुर जीव गुणुपुर जा सुदर्शन साहू घरे पहुँच से डाक विक्रमादित्य बाबू अच्छा कि यस विक्रमादित्य बाबू बाहर तेल जेमती गोटे लोक को सहजरे खोजी पाइबापी गोटे लोक विषय विस्तृत बरणी पाइबापी आम गोटे आड्रेस व्यवहार करमती ए दुनिया में जिते लिविंग अर्गानिजम अच्छा से मैंने प्लांट हूँ कि एनिमल हूँ माइक्रो अर्गानिजम हूँ कि ब्लू व्हेल हूँ से मैं गोटे आड्रेस दिखाई जो आड्रेस को कह जाए सिस्टमेटिक पोजिशन ओके आम गोटे एग्जाम्पल नहीं देखा पे मुझे जे गोटे अर्गानिजम हूँ टाइगर ए टाइगर रो सिस्टमेटिक पोजिशन केमी लिखा जाए प्रथम लिखा जाए किंगडम को जगत प्राणी जगत ना उद्भिद जगत ताले टाइगर टा के गच नुह तेनालीटा जीव प्राणी जगत लिखा किंगडम आनी मालिया ओके तापर आस किए पे किंगडम तल को आस फाइलम मेरुदंड अच्छी फाइलम कड़ाटा तापर आस किए क्लास मामालिया स्तन्यपायी श्रेणी देन ऑर्डर वर्ग कौन कार्निवोरा देन फैमिली फेलिडी बिड़ाल वंशी बिराड़ी परिवार तापर जेनस पांथेरा
Okay, then species. Tigris. Era tiger ro systematic position. Pile ए एड्रेस रे सबुटो छोटो जिए से ऊपर अछि तळ को बड़ी बड़ी के आछि एठी सबुटो छोटो अछि उपरे एठी सबुटो बड़ो अछि पिले किंगडम सबुटो बड़ो अर्थात केते गुडिए स्पेसीज मिसिले गोटे जेनस हुए केते गुडिए जेनस मिसिले गोटे फैमिली हुए केते गुड़िए फैमिली मिसिले गोटे अर्डर हुए केते गुड़िए अर्डर मिसिले गोटे क्लास हुए केते गुड़िए क्लास मिसिले गोटे फाइलम हुए केते गुड़िए फाइलम मिसिले गोटे किंगडम हुए विक्रमादित्य मिसिले साहू हुए साहू मिसिले गुणपुर मिसिले धर्मदासपुर मिसिले कुआपड़ा मिसिले कटक मिसिले ओडिशा स्पेसीज मिसिले जेनस जेनस मिसिले फैमिली फैमिली मिसिले अर्डर क्लास फाइल ओके जेमिति ये दुनिया रे प्रत्येक लोक को गोटे निर्दिष्ट आड्रेस दिया है गोटे निर्दिष्ट ठिकाना दिया जाय छि सेमिति ये दुनिया रे प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट हो कि एनिमल हो ताकु एक आड्रेस और आइडेंटिटी दिया है जहाँ को हमें सिस्टमैटिक पोजीशन बोली कहो ताले पिले सिस्टमैटिक पोजीशन कौन है ना इट इज द एड्रेस और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड ताले सिस्टमैटिक पोजीशन इज द एड्रेस और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड जो तेरे माने लार्जर टू स्मॉलर अर्थात कमी कमी आसुच्छ सबुठ बड़ रहा उपर सबुठ साधारण रहा तले कहो जिनस कौन सी ऑर्गेनिज्म विषय किसी तथ्य को आम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर रे रिप्रेजेंट करार टेक्निक को टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोली कह जाए तेल आम कौन डिफाइन कले सिस्टमेटिक पोजिशन इट इज द आड्रेस और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड ताले सिस्टमेटिक पोजीशन होची ए जीव जगत रे गोटे निर्दिष्ट ऑर्गेनिज्म रो एक एड्रेस परिचय पत्र ओके पिले एबे हम गोटी गोटी करी एई पॉइंट गुड़ी को बुझा तार आरंभ करबा कोठु सबुठ छोट पिले मन रखिता स्पेसीज थारु आउरी छोट सब स्पेसीज मध्ये अछि किंतु आमे स्पेसीज को द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोली कह जाए पिले वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज डैश स्पेसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किमा पिले एमिति क्वेश्चन पचारि पारे जे डैश इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन ताले ए जो जिनिस गुडी के हम लिखु छे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर ए माने समस्त होचंती गोटे गोटे टैक्सोनॉमिक रैंक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम है गोटे टैक्सोनॉमिक रैंक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फाइलम है गोटे टैक्सोनॉमिक रैंक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास है गोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर फैमिली जेनस स्पेसीज ए माने समस्त होचनी गोटे गोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ओके तले एबे हम ए मानक विषय गोटी गोटी करी पढ़वा व्हाट इज स्पेसीज जेनस फैमिली ऑर्डर क्लास फैमिली एटसेट्रा।